अस्सलाम वालेकुम गाइस, बिजनेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ताहिर राजपूत। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर, जैसे कि आप लोग हमारे चैनल के ऊपर डिफरेंट वीडियोस देखते रहते हैं अबाउट ऑनलाइन अर्निंग, या आप लोग थोड़े पैसे से ज़्यादा पैसा कैसे बना सकते हैं, तो आज की वीडियो के अंदर जैसे कि रॉयल क्यू से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोज में ऑलरेडी बना चुका हूँ, उन वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक काफ़ी बड़ी टीम पूरे पाकिस्तान से हमारे साथ चल रही है रॉयल क्यू को लेकर। रॉयल क्यू एक बेहतरीन रोबोट है और बेहतरीन अर्निंग सिस्टम है, खास तौर पे मार्केटर्स और नेटवर्कर हजरात के लिए, जो इससे पहले डिफरेंट और प्लेटफॉर्म्स की नेटवर्किंग करते रहे, उनके लिए ये एक बड़ा बेहतरीन और कारामद सिस्टम रहा है। लोगों ने यहाँ से अच्छा पैसा बनाया है। अभी दो सवाल माइंड में आते हैं कि क्या रॉयल क्यू से वाकई लोग पैसा बना रहे हैं, या रॉयल क्यू के साथ इस मार्केट के अंदर कौन से नए फ्रॉड जन्म ले रहे हैं, उससे रिलेटेड मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। रॉयल क्यू की इजाद, क्योंकि रॉयल क्यू को बनाने का जस्ट एक ही मकसद था, ऑटो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना लोगों को, जो लोग मैनुअल ट्रेड नहीं कर सकते। मैनुअल ट्रेड से मतलब है कि आप खुद ट्रेड करें बाइनांस के अंदर या किसी भी वॉलेट के अंदर जो आप यूज़ करते हैं या जो एक्सचेंज आप यूज़ करते हैं। लेकिन जो रॉयल क्यू है, रॉयल क्यू को बनाने का जस्ट एक ही मकसद था कि आप ऑटो ट्रेडिंग कर सकें, ऑटो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से बेनिफिट उठा सकें। मैं आपको सिंपल और सादा अल्फाज में बताता चलूं, रॉयल क्यू भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप रॉयल क्यू के अंदर भी काफ़ी लंबी होल्डिंग्स में पड़ सकते हैं। लॉस तो मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन लंबी होल्डिंग आपको करनी पड़ सकती है। तो जो लोग इससे पहले रॉयल क्यू यूज़ कर रहे हैं, वो एक अच्छा पैसा यहाँ से बना रहे हैं और अच्छी जनरेशन कर रहे हैं। हम डेली वेजेस पे रात को जूम मीटिंग्स भी होती हैं हमारी, शाम के टाइम काफ़ी ज़्यादा लोग 300 350 400 लोग उन जूम मीटिंग्स का हिस्सा बनते हैं, और वहाँ से डेली वेजेस के ऊपर जो हम डिटेल्स शेयर करते हैं, जिसके अंदर हम उनको समझाते हैं कि यहाँ पर आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, या उसके अलावा कॉपी ट्रेडिंग के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, वो सारी डिस्कशंस वहाँ पर की जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इस सेशन में हमारे साथ शरीक होते हैं। अभी बात आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा कुछ नेटवर्कर हजरात हैं जो मतलब कि इस मार्केट के अंदर चल रहे हैं और काफी ज्यादा उन्हें लॉस हुआ है, कुछ आरओआई कंपनीज की वजह से और कुछ आरओआई सिस्टम्स की वजह से, तो उस वजह से वो ज्यादा परेशान है। तो उनके लिए मैं अगर आप लोगों को बोलूं, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है रॉयल क्यू की, तो वो जितना जल्द हो सके रॉयल क्यू को ज्वाइन करें और यहां से वो अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर उनके पास एक अच्छी टीम है, अगर वो टीम इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो वो इन्वेस्ट करके यहाँ से एक अच्छा पैसा बना के जा सकते हैं। उसकी वजह ये है कि रॉयल क्यू के अंदर जो प्रॉफिट है वो महदूद है, और सबसे मज़े की बात ये है कि रॉयल क्यू के अंदर कोई भी क्रैश के चांसेस नहीं है। आपके अमाउंट जो रिस्क में है वो 22,000-24,000 के करीब है, जो $120 से आपने अकाउंट एक्टिवेशन करना है रॉयल क्यू के, उसके अलावा कोई भी आप रिस्क नहीं ले रहे, और आप एक बहुत बड़ी एक्सचेंज के साथ अटैच करके रॉयल क्यू को यूज़ कर रहे हो। बीच में कुछ इशूज़ ये आए थे कि लोगों ने डिफरेंट रोबोट बना के मार्केट में छोड़ दिए हैं, और ऐसे ऐसे रोबोट जब रॉयल क्यू मार्केट में नहीं था, तो उसके बाद लोगों ने रोबोट बना बना के मार्केट में छोड़े। अभी उन लोगों को उन रोबोट्स को काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए। तो एक बात मैं आपको बता चलूँ, जो फर्स्ट सिस्टम होता है वही रियल होता है, उसके बाद जो सिस्टम बनते हैं वो रियल नहीं होते। उनमें आप लॉस भी कर सकते हो, नुकसान भी उठा सकते हो, तो खुदा रहा ऐसे रोबोट से बच कर रहें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देंगे। रोबोट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, आजकल टेक्नोलॉजी का इलम हर बंदा जानता है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज हर बंदे को है, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो, आप लोगों के दिमाग से खेलते हैं और आप लोगों को एक नई सी नई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को ऐसे राह दिखाते हैं जिनके अंदर आप जाके इन्वेस्ट करते हैं, बाद में आप बहुत बड़ा लॉस कर देते हैं। किसी भी शक्ल में फ्रॉड हो सकता है, किसी भी शक्ल में लॉस। जब एक बहुत बड़ा ब्रोकर आप लोगों के माइंड से, आप लोगों के पैसे से खेल सकता है, तो ये तो बहुत छोटे छोटे सिस्टम है जहाँ पे आप लोगों के पैसे से खेला जा सकता है। तो अगर आपने अपना बिजनेस करना है, अपनी ज़ाती नोयत का बिजनेस करें, वो बिज़नेस करें जो इजीली, जिसको आप कंप्लीट टाइम दे सकते हैं और उसके आप कंप्लीट रिसर्च रखते हैं, तो वो बिज़नेस आप करना सीखें, ना कि ऐसे बिजनेस में पंगे लें जहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो। तो आज की वीडियो में मुझे यही जस्ट बताना था कि आप लोग उन फेक रोबोट से बच कर रहें। अभी एचटी फॉक्स से रिलेटेड मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मैंने आज तक एचटी फॉक्स को ज्वाइन नहीं किया। उसी के सेम पैटर्न का एक और सिस्टम मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, उसमें फ़र्क जस्ट यही है कि ये एक और टेक्नोलॉजी यूज़ की है कि ब्रोकर्स ने, कि लोगों को इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भी लाया जाए, ताकि वो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ भी अटैच रहें और पैसे भी बनाते रहें। और ब्रोकर को तो एक अच्छा खासा पैसा यहाँ से जाता है, जो आप लोग खुद भी देखते हो। जब ऑक्टाएफएक्स और एफएक्स प्रो जैसे ब्रोकर लोगों से कर सकते हैं, लोगों से पैसा निकलवा सकते हैं, जिनके ऐड YouTube पे 24 घंटे चल रहे होते हैं और ऐसे रियल तरीके से चल रहे होते हैं, तो आप उसको कभी भी क्लेमफुल साबित नहीं कर सकते। तो ये मार्केट ही ऐसी है सारी, इस
पूरी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल लोगों को समझ नहीं आती, और समझ ना आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग लॉस करते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि फॉरेक्स के अंदर जो लोग जाते हैं वो 98% लॉस करके आते हैं। उसकी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा जो दो नंबर ही करते हैं वो ब्रोकर करते हैं, और इन ब्रोकरों की दो नंबर की वजह से लोग फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। ब्रोकरेज हाउस बहुत पैसा बना जाती है, जो कुछ जो उनके अपने ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत पैसा बना जाते हैं। अदरवाइज़ एक नॉर्मल बंदा, जो नॉर्मल छोटा इन्वेस्टर होता है, उन सारों का पैसा उठा के दो से तीन लोगों के जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास जा रहे होते हैं। ये सारा बिजनेस इस तरीके से चलता है। तो इस बिजनेस के अंदर अगर आप चलना चाह रहे हैं, रॉयल क्यू को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, रॉयल क्यू एक अच्छा प्लेटफॉर्म है नेटवर्किंग के लिए। देखें, अगर आप 20 लोगों की टीम बना लेते हैं तो एक बंदे से आपको एट द स्पॉट $30 $40 $50 आ रहा है, जो 10,000 20,000 30,000 रुपए की अमाउंट बनती है। आप रॉयल क्यू से डेली 15,000 से 20,000 आराम से कमा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप डेली 3 से 4 लोगों की टीम बनाएं। टीम कैसे बनानी है, बिल्कुल सिंपल और सादा है। जो लोग डिफरेंट सिस्टम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप उनको नॉलेज प्रोवाइड करें, जिससे उनको एक तो ये बेनिफिट होगा कि एक तो वो रॉयल क्यू को सिस्टम को सीख जाएंगे, दूसरा उनको ये बेनिफिट होगा कि उनको ट्रेडिंग से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें समझ आ जाएंगी, तो इससे उनका काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो इससे आपका भी फायदा होने वाला है। तो रॉयल क्यू के डिफरेंट किस्म के जो हैं, मतलब कि लेवल्स हैं, वो लेवल्स आप क्लियर करें, वो लेवल्स मतलब कि नेक्स्ट बढ़ते चले जाते हैं। उन लेवल्स के अंदर आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, डेली वेजेस पे 15,000-20,000 अर्निंग करना रॉयल क्यू से कोई मुश्किल नहीं है। जो दूसरे सिस्टम की मैंने बात की, ST Fox, सेम टाइप का सिस्टम जिसमें डेली के 4 से 5 सिग्नल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हम जो रिसर्च आप लोग शेयर करते हैं वो हमारी रिसर्च होती है, उसके पीछे आपने जो अमाउंट अपनी इन्वेस्ट करनी है आप अपनी रिसर्च करके अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करें, ताकि आप लोग अपनी अमाउंट के बारे कंप्लीट क्लेरिफाई कर सकें और आपके अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट हो उस चीज़ को समझ सकें। आज की वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोग जो बिल्डर्स इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा रूज पे है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बना रहे हैं। आज की वीडियो में दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन से। थैंक यू सो मच।